आज जहां मार्केट में हर चीज एक प्राइस टैग के साथ उपलब्ध होती है, वहीं दूसरी तरफ एक गांव ऐसा भी है जहां दूध लोगों को मुफ्त में दे दिया जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में बसा ढोकड़ा गांव में लोगों को रोजाना दूध मुफ्त में मिलता है। इस गांव के लोग दूध बेचते नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को मुफ्त में दे देते हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं होती है। ढोकड़ा गांव को राजपूतों का गांव माना जाता है। यहां के हर घर में गाय होना जरूरी है। एक पीर के वचन के अनुसार यहाँ कोई दूध नहीं बेचता है। यदि किसी को दूध की जरूरत हो तो उसे मुफ्त में दे दिया जाता है। गांव में रोज 1000 लीटर दूध का उत्पादन होता है, पर इसे बेचा नहीं जाता। गांव के लोग दूध का दही, छाछ और घी बनाकर बाजार में बेच देते हैं, लेकिन दूध नहीं बेचा जाता। इस गांव में सिर्फ दूध को लेकर ही नहीं, बल्कि और भी चीजों को लेकर नियम है जिसे हर गाँव वाले का पालन करना जरूरी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आज से 500 साल पहले इस गांव में सिंध से एक सैयद अली पीरे आए थे। लोगों ने उन्हें अपने गांव में रहने का आग्रह किया। अली पीरे ने कहा कि जो गांव मेरी 5 शर्तें मान लेगा, मैं उसी गाँव में रहूंगा। लोगों ने उनसे वो 5 शर्तें पूछी तो अली पीरे ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति अपने पशुधन का दूध की बिक्री नहीं करेगा। गांव में कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बनाएगा। गांव की महिलाएं पांव में पायल के सिवाय अन्य कोई गहना धारण नहीं करेंगी। गांव में कभी चोरी नहीं होनी चाहिए और गांव का कोई भी व्यक्ति मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेगा। पीर के इस वचन का पालन आज भी यहाँ के लोग कर रहे हैं, इसलिए इस गांव में एक भी 2 मंजिला मकान नहीं है। कहा जाता है कि पीर के वचनों को कभी कभार तोड़ने की भी कोशिश की गई, पर सभी विफल रहे। जिन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया वो कुछ समय बाद ही धराशायी हो गए। जिन्होंने दूध बेचने की कोशिश की उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तब से गाँव वाले सचेत हो गए और उन्होंने 5 वचनों का पालन करना शुरू कर दिया। आज भी गांव में उन 5 वचन का पालन सख्ती से किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन्हीं वचनों के चलते आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई, 2 मंजिला मकान नहीं बना, पशुधन होने के बाद भी दूध नहीं बेचा जाता, इसके अलावा गांव में मच्छरदानी का इस्तेमाल कोई नहीं करता। इन वचनों के कारण ही गाँव आज भी खुशहाल है। आपको बता दें कि करीब 165 मिलियन टन सालाना उत्पादन के साथ दूध के मामले में भारत आज भी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। भारत के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की रफ्तार विश्व के औसत से करीब 3 गुना ज्यादा है। जहां विश्व दुग्ध उत्पादन की औसत विकास दर 2.1% है, वहीं भारत की दूध उत्पादन में वार्षिक विकास दर 6.3% है। ऐसे में अगर हमारे देश में ही मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा